सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान हमारे देश में नफरत फैलाने की कोशिश करता रहा, पर वो कभी कामयाब ना हो सका। मगर पिछले 5 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जितनी नफरत हमारे देश में फैलाई, उतनी पिछले 70 साल में भी पाकिस्तान फैला ना सका। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे देश में बहुत ज़्यादा नफरतें फैला रहे हैं। वो अगर 2019 में फिर से चुनाव जीते तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल जी का। क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी का इस बारे में, चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी की जुबानी। पिछले 4 साल में, 5 साल में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जितना बेड़ा गर्क किया इस देश का, 70 साल में भी किसी ने नहीं किया आज तक। मुझे लगता है अगर 2019 में इनकी जोड़ी जीत गई मोदी और अमित शाह की, ये देश नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा। ये चुनाव बंद कर देंगे, संविधान बदल देंगे ये लोग। 1931 में हिटलर आया था जर्मनी में, हिटलर ने आते ही संविधान बदल दिया था जर्मनी का, चुनाव कराने बंद कर दिए थे, और जब तक हिटलर मरा नहीं तब तक हिटलर वहां का प्रेसिडेंट रहा था। मोदी और अमित शाह ने भी यही प्लानिंग कर रखी है, अगर 2019 में ये दोबारा आ गए, भाई साहब ये देश नहीं छोड़ने वाले। जितना जहर इन लोगों ने अपने देश में घोला है, जितना इन्होंने इंसान को इंसान से लड़ाया है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं, हरियाणा में चले जाओ जाट को नॉन जाट से लड़ाते हैं, महाराष्ट्र में चले जाओ वहां पे मराठा को नॉन मराठा से लड़ाते हैं। भाई साहब 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, एक पाकिस्तान बना था, एक हिंदुस्तान बना था। 70 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए। 70 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में जहर घोला जाए, लोगों के बीच में बंटवारा किया जाए। 70 साल से पाकिस्तान अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। जो काम 70 साल पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल में मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया भाई साहब। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।